दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेस्ट बैंक फॉर एडसेंस पेमेंट रिसीव इन इंडिया। हमारे इंडिया के लिए बेस्ट बैंक कौन सा है एडसेंस पेमेंट रिसीव करने के लिए। अगर हम बैंक की बात करें तो बहुत सारी बैंक इंडिया में अवेलेबल है, बट मैं कुछ बैंक रेपुटेटेड बैंक की बात करने वाला हूँ। जैसे कि सबसे पहला नंबर पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक। और जैसे कि आपको पता है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज हुआ है पंजाब नेशनल बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। खैर छोड़िए, बैंक की बात नहीं है, हम बात करेंगे एडसेंस के बारे में। जैसे कि आपको पता है महीने की 21 से लेकर 26 तारीख के अंदर एडसेंस का पेमेंट रिलीज होता है, गूगल एडसेंस का पेमेंट रिलीज कर देता है, और 5 वर्किंग डेज के अंदर हमारे बैंक के अंदर पेमेंट रिसीव हो जाना चाहिए। यानी कि ये पूरा प्रोसेस आपको बता दिया। और ऐसे भी आपको पता है कि 5 दिन टाइम लगता है, 5 वर्किंग डेज। अगर नहीं होता है तो मैक्सिमम आपको 15 डेज वेट करना पड़ता है, उसके बाद बैंक को कॉन्टैक्ट करना होगा या फिर आप एडसेंस को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एक फॉर्म है तो उसके ऊपर सेपरेट एक वीडियो मैं बना दूंगा। बट इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सर्विस चार्ज कौन सा बैंक सबसे कम लेता है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन होता है कौन सी बैंक, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो वीडियो में आगमन से पहले बता दूं, अगर हमारे चैनल पर अपने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, और वीडियो चले तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में जितने भी बैंक का नाम मैं बताया तो मेरा दोस्त लोग यूज़ करता है, और मैं कंबाइन करके थोड़ा सा उन लोगों से नॉलेज लिया इस बैंक के बारे में। मैं पर्सनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूज़ किया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यूज़ किया, इसके अलावा एक्सिस बैंक भी मैं यूज़ किया। सो यहाँ पे बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे अगर अच्छा बैंक है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विस चार्ज की मामले में, या फिर ट्रांजेक्शन भी बहुत अच्छा है, लगभग 4 दिन के अंदर बैलेंस क्रेडिट कर देता है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो सर्विस चार्ज है बहुत ही कम है, जितने भी प्राइवेट बैंक इंडिया में अवेलेबल है सबसे कम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसका जो सर्विस चार्ज है लेस देन 1 लाख, अगर पर मंथ एडसेंस की तरफ से आपको 1 लाख मिलता है तो लगभग 200 रुपये के अंदर टोटल सर्विस चार्ज लगता है, और बैलेंस भी क्रेडिट हो जाता है 4 दिन के अंदर। इसके बाद आता है बैंक ऑफ बड़ौदा, मैक्सिमम बैंक ऑफ बड़ौदा में लग जाता है 300 रुपया, 300 से भी ज़्यादा लग जाता है, 350 रुपये के आसपास। बट इसका जो ट्रांजेक्शन है सही है, 3-4 दिन के अंदर ही ट्रांजेक्शन हो जाता है। बट इसमें जो प्रॉब्लम है, हर महीने आपको फॉर्म फिलअप करके देना पड़ता है, एक फॉरेक्स डिपार्टमेंट का फॉर्म होता है उसको फिलअप करना पड़ता है। और एक बैंक का मैं नाम बताना भूल गया जो कि है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेम है, हर महीने एक फॉर्म फिलअप करके देना पड़ता है, उसके बाद बैलेंस क्रेडिट होता है। एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इसमें सर्विस चार्ज ज़्यादा लगता है बट 2-3 दिन के अंदर बैलेंस क्रेडिट कर देता है। और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में एडसेंस का पेमेंट रिसीव नहीं किया, बट यूनाइटेड बैंक भी ठीक ठाक है, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट सबसे बेस्ट अगर बैंक है बात करूँ, सर्विस चार्ज सबसे कम लगता है। मान लीजिए आपको एडसेंस में $1,000-2,000 हो जाता है महीने में आप बना लेते हो, तो स्टेट बैंक जरूर यूज़ कीजिए, क्योंकि इसमें आपको सर्विस चार्ज बहुत ही कम लगता है। 200 रुपये के अंदर अगर 1 लाख रुपया आप रिसीव कर रहे हो फॉरेन करेंसी, और आपको 200 रुपया देना पड़ रहा है, तो उतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो इस वीडियो में मैं किसी भी बैंक को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ या फिर ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मेरा जो ओपिनियन था वही बताया, बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कौन सा बैंक आप यूज़ करना चाहते हो। बट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ट्रांजेक्शन सर्विस चार्ज कम लेता है इसके बारे में बताना था, बता दिया। बाकी आप कोई भी बैंक यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक बात बता सकता हूँ कि जितने भी प्राइवेट बैंक है, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, ट्रांजेक्शन बहुत फास्ट होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ज़्यादा ट्रांजेक्शन फास्ट होता है, ये आपको बता सकता हूँ। और सर्विस चार्जेस के मामले में थोड़ा तो ज़्यादा लग जाता है, बट आप कंसिडर कर सकते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है। सो आई होप इस वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे अपने हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।